गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वसीम चौधरी फ्रॉम चौधरी कोचिंग क्लासेस अकोला महाराष्ट्र। तो बच्चों, आज हम जो है आज से आपके लिए एक स्पेशल वेल डिज़ाइन कोर्स वाले बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस बैच की खास स्पेशलिटी ये है कि आपके जो टेंथ के जो अच्छे अच्छे कंसेप्ट ड्यू टू दिस लॉकडाउन जो पैंडेमिक चल रहा था अपने देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, इसकी वजह से जो आपके मेन कंसेप्ट छूट गए थे टेंथ स्टैंडर्ड के, जो आपने 11, 12 में जाने से पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए, हम उनको भी कवर करेंगे। इसके साथ साथ आप जो 11, 12 में जिनका आगे जाके ख्वाब होगा, ये जो सपना होगा कि नीट और आईआईटी जेई को क्रैक करना है, उसके लिए जो आपको एक नेशनल लेवल का एक सिलेबस, उतनी कंपटीशन फेस करना पड़ती है, 14-15 लाख बच्चे आपके कंपीटर होते हैं पूरे देश के कोने कापरों में से, तो इन बच्चों के साथ आप अच्छे से आपका एक नॉलेज लेवल फाइट कर सके, इस लेवल आपको खुद को बनना पड़ेगा। तो इस दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने चौधरी कोचिंग क्लासेस की तरफ से जो क्लास के एक्सपर्ट टीचर से इन्होंने हमने सबने मिलकर एक वेल डिज़ाइन सिलेबस बनाया जो आपको लेंगे। मैं इसमें पूरा केमिस्ट्री आपका लेने वाला हूँ, डेली 1 आवर हमारा लेक्चर रहेगा। आज का पहला दिन था तो हमने बहुत सारे बच्चों को ज्वाइन करने दिए, तो कल के जो लेक्चर्स रहा करेंगे उनके टाइम टेबल आपको पहले मिल जाएंगे। और आज 3 लेक्चर आपके हैं, मेरे बाद आपका एक फिजिक्स का लेक्चर है, उसके बाद आपका एक बायोलॉजी का लेक्चर है, हम बाद में मैथ्स के लेक्चर भी स्टार्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं आपका केमिस्ट्री टॉपिक लूँगा। केमिस्ट्री के अंदर 3 तरह का केमिस्ट्री होता है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है। क्योंकि हमने लास्ट टाइम में जो इलाइट बैच चलाए थे उसके अंदर 10th का पूरा सिलेबस हमने कम्प्लीट किए थे, हालांकि वो हमारी ड्यूटी नहीं थी, और हमने फाउंडेशन के भी बहुत सारे लेक्चर लिए थे। मैंने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बताया था आपको कि फिर वो फाउंडेशन के जो लेक्चर थे वो हमने पेरेंट्स और स्टूडेंट के रिक्वेस्ट के बाद इसलिए स्टॉप किए थे क्योंकि उस वक्त आपके स्कूल के भी 5-5, 6-6 घंटे ऑनलाइन लेक्चर चल रहा था, बच्चे वो 5-6 घंटे देखने के बाद फिर 3 घंटे अपने क्लास के लेक्चर देखते थे, तो 9-10 घंटे मोबाइल का स्क्रीन टाइम हो रहा था, जो काफ़ी डेंजरस था आपके लिए। तो सारी चीज़ें जो आपकी लास्ट टाइम में रह गई थी जो हमने फाउंडेशन में लेना था, हम वो सब चीज़ें भी कवर करके भी लेंगे, अभी उसकी ज़्यादा अच्छे से आपको ज़रूरत भी है। और CBSE वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी 10th की एग्ज़ाम तो कैंसिल हो ही गई, अब स्टेट बोर्ड वाले जो महाराष्ट्र के, तो मेरे ख्याल से अगले 2-3 दिन के अंदर उनका भी डिसीजन आ जाएगा। तो ये लेक्चर आप सभी को बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो बच्चों, मैं ज़्यादा इसमें समय ना लेते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर आता हूँ। तो आज से मैं पहले आपका फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम पहले मोल कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, और ये पढ़ाते पढ़ाते समय में मैं आपको बहुत सारे एडिशनल फार्मूले बताऊँगा जिनका आपको बहुत काम पड़ेगा आगे चल के, नॉलेज लेवल भी आपकी बढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। और एक और मैं बात बताऊं, लास्ट टाइम में जब हमने इलाइट बैच लिए थे, अब हमने इसके अंदर भी बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाए, जैसे ये जो मैं बोर्ड ले रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे पहले केमिस्ट्री लिख देता हूँ, हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हम आपके जो ये जो 25 से 30 दिन का कोर्स ले रहे हैं इसके अंदर आपके 1 या 2 टेस्ट भी लेंगे, तो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस पर आप टेस्ट भी लेंगे। जो बच्चे अच्छा रैंक लेंगे उनको मेरे तरफ से बहुत सारी स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है, ये खास तौर पे उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो इकोनॉमिकली थोड़े अभी मतलब ख़राब दौर से गुजर रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है कि अगर आप हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक पर अच्छे से पढ़कर टेस्ट दे के अच्छा स्कोर लेंगे। क्योंकि अभी आपका 10th का परसेंटेज अब काउंट ही नहीं किया जाएगा ना स्कॉलरशिप देने के लिए, तो जिनको 11, 12 में एडमिशन लेना है और आप 10th में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो हम स्कॉलरशिप देते थे, या तो फिर हम 1 महीने का जो कोर्स ले रहे इसके अंदर जो जितने अच्छे मार्क्स लेंगे उसको उतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलेंगे। स्कॉलरशिप 10,000 से लेके 1 लाख रुपीस तक की अपने क्लास पर है। तो बच्चों, ये इसलिए सीरियसली पढ़ना चाहिए कि आपको इस पर एक स्कॉलरशिप एग्जाम देने का चांस मिलेगा। तो केमिस्ट्री के अंदर 3 तरह का केमिस्ट्री है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की, ये थोड़ा सा टफ माना जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसमें बच्चों 10th तक के काफ़ी डर लगता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जैसे कार्बन कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसके अंदर आते हैं, रिएक्शंस इसमें आते हैं। और थर्ड वन दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये है तो बहुत ईजी बट समवॉट इट इज़ बोरिंग बिकॉज इसके अंदर आपको एलिमेंट्स एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक ये पढ़ना है। ये तीनों कंटेंट मिला के आपके 11th 12th बन के टोटल 32 चैप्टर्स होते हैं। तो मोटा मोटा 32 को 33 पकड़ लो तो 10-11 चैप्टर इसमें रहेंगे, 10-11 चैप्टर इसमें रहेंगे और 10-11 चैप्टर इसमें रहेंगे। मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री ये सबसे टफ माना जाता है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स है, थोड़े डेंजरस कंसेप्ट आते हैं, थोड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री का हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है।
बच्चों को फिजिक्स भी टफ जाता, केमिस्ट्री भी टफ जाता, और यहाँ तो दोनों मिल जाते इसके अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री में इसके चैप्टर भी बहुत दमदार चैप्टर्स होते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री ये एक बहुत ही बढ़िया मतलब टॉपिक है, और मैं आज यहाँ से शुरू करने वाला हूँ। जो टफ है मुझसे शुरू करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग है, रिएक्शंस वगैरह इसमें पढ़ना है आपको, ठीक है बच्चों। मैं तीनों टॉपिक का बेसिक लूंगा इसमें, आपका इनऑर्गेनिक कॉन्फिगरेशन, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे, देन हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, हम ये सब चीज़ें इसके अंदर धीरे धीरे करके देखने वाले। तो बच्चों मैं पहले फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करता हूँ, और फिजिकल केमिस्ट्री में एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर चैप्टर है जिसका नाम है मोल कंसेप्ट, है ना, मोल कंसेप्ट। इसके अंदर के जो कंसेप्ट है हमारे बहुत काम के, मैं यहां से शुरू करता हूं। और मैं एक बात और आपको बता देता हूं, कि अभी हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐड करे। देखो मैं आपको कुछ डेमो के तौर पे दिखाता हूं, कि अभी लास्ट टाइम में जो था हमारा, कि हमने सिर्फ बोर्ड पे पढ़ा करते थे, अभी हमने इस स्क्रीन के साथ एक लैपटॉप भी शेयर कर लिए। लैपटॉप के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको यहाँ ला के दिखा सकते हैं, जैसे कि मैं जस्ट एक आपको शुरुआत के टाइम में कुछ चीज़ें जस्ट दिखा रहा हूँ कि हम इसको इसमें क्या क्या करना है हमको करके। जैसे देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा, ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मुझे ये ऐसे स्ट्रक्चर का काम पड़ता है, ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लाया हूँ, तो हम बहुत सारी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी इस पे सॉल्व करा के ले सकते हैं। ऑनलाइन लेक्चर के अंदर दिक्कत क्या जाती है कि एक तो पूरा क्वेश्चन मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता हूँ, बिकॉज एक क्वेश्चन, उसके चार ऑप्शंस, उसके स्ट्रक्चर्स, और उतना अगर हम ड्रॉ करते बैठेंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर कुछ स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखाएंगे, और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने ला के उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देंगे। तो क्वेश्चन भी आपके सामने दिखेगा, ऑप्शन भी आपके सामने दिखेगा, और सबसे अच्छी बात बताता हूँ कि मैं जैसे इसको टिक करता हूँ लाइक दिस, ये ऐसा है ना, अगर मैं ये ऐसा कर लेता हूँ तो इसका एक स्क्रीन शॉट निकल जाएगा, यानी ये नोट्स आपको एज इट इज़ घर बैठे मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। तो और भी इसमें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो मैं पहले लेक्चर में सब कुछ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हमको पढ़ना भी है, बट अभी आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने के लिए क्लास के अंदर, यानी ऑनलाइन के अंदर, और जब आप आगे जाके ऑफलाइन क्लास मई महीने में ज्वाइन करेंगे तो ये सब चीज़ें आप ऑफलाइन भी इसी तरीके से पढ़ सकेंगे। हम पूरे 2 ईयर्स कोर्स को इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगे, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने क्लास के ऊपर अवेलेबल है, चौधरी कोचिंग क्लासेस के ऊपर अवेलेबल। तो ये कि पॉइंट मैंने क्लियर कर लिया कि बच्चों के दिमाग में आ रहा हूँ बहुत नए नए चीज़ें क्या देखेंगे। जैसे मैं ये स्ट्रक्चर आपको समझाता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें, ये वाला स्ट्रक्चर। अब देखो बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है, जस्ट डिस्कशन कर रहे, इसको आपने पढ़ा होगा टेंथ के अंदर, तो ये CH2O करके लिखते हैं इसको। देखो ये CH2O है, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो जो फॉर्मल्डिहाइड है, आपको याद होगा फॉर्मल्डिहाइड से एक बहुत ही अच्छा कंपाउंड बनता है, उसका नाम फॉर्मेलिन है। इससे एक फॉर्मेलिन करके कंपाउंड बनाते हैं, फॉर्मेलिन, पूछते नीट और जेई में जनरल नॉलेज का भी अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मेलिन एक तरह से ह्यूमन बॉडीज को या फॉसिल्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपने देखे होंगे आपके जो बायोलॉजी के लैब होंगे उसके अंदर बहुत सारे फॉसिल्स पहले से रखे होंगे, वो बहुत दिनों तक के अच्छे इसलिए रहते हैं कि फॉर्मेलिन का यूज़ किया जाता है। एक तरह से ये ह्यूमन बॉडी प्रिजर्वेटिव है, यानी अगर कोई डेड बॉडी हो और उसको बहुत दिनों तक के अच्छे कंडीशन में रखना हो तो फॉर्मेलिन के इंजेक्शन की मदद से आप उसको अच्छे कंडीशन में रख सकते हैं। फॉर्मेलिन ये कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। ये जस्ट मैंने एक पॉइंट समझा के दिया, इसका स्ट्रक्चर आपने पढ़े होंगे तो ये ऐसा होगा, एच बॉन्ड सी, ऊपर बॉन्ड एच, आगे डबल बॉन्ड, इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। आपने 10th तक के इसको मिथेनल के नाम से जाना भी होगा, बिकॉज इट इज अ मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का IUPAC नेम जो है बच्चों अल्कानल है। अल्कानल, इसमें कार्बन कितना, एक है, कार्बन एक है, तो अल्केन कौन सा होगा, मीथेन, एंड देन ई रिप्लेस बाय AL, दैट इज मिथेनल, ये इसका IUPAC नेम मैंने बताया। तो जो टेक्नोलॉजी की मदद हम लेंगे बहुत ज़बरदस्त आपके काम में आएंगे। इसका जो स्क्रीन शॉट निकल गया एक तरह से, तो ये आपको एज अ नोट्स मिल जाएगा। मैं जस्ट डेमो दे रहा हूँ, मेरा पहले लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करूँ, बहुत सारी बातें बच्चों बताओ कभी आपको लेक्चर करना कितना ज़रूरी है। सेम ऐसी फिजिक्स होगा, सेम ऐसी बायोलॉजी होगा, सेम ऐसी मैथमेटिक्स होगा, और अपने क्लास के एक्सपर्ट टीचर्स आपको अपना बेस्ट नॉलेज बेस्ट प्लेटफॉर्म पर बेस्ट तरीके से देंगे। देखो आपकी 10th की एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, CBSE की, स्टेट की भी हो जाएंगी, 11th 12th की क्लासेस शुरू होने में काफ़ी समय है। अगर आपने आपको एजुकेशन से दूर कर लिए तो इससे आपकी मेंटल एबिलिटी बहुत डिस्टर्ब होंगी, थिंकिंग पावर डिस्टर्ब होंगी। तो मेरा एक सजेशन है, दिन में टोटल 24 आवर्स होते हैं,
आप इसमें से 3 to 4 आवर्स क्लास के लिए निकालिए और 3 to 4 आवर्स सेल्फ स्टडी के लिए निकालिए। बाकी रिमेनिंग टाइम आप बहुत सारा एंजॉय करिए, टीवी देखिए, मूवीज देखिए, घर पर रहिए, अभी रमजान महीना चल रहा है, नमाज पढ़िए, इबादत करिए, ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। बट आप कंप्लीटली पढ़े से खुद को दूर कर लेंगे तभी आपको कुछ देर अच्छा लगेगा। बट जो बच्चों को आगे जाके टारगेट नीट और जेई क्रैक करने का है उनको इसकी बहुत बड़ी कीमत फ्यूचर में और प्रेजेंट से शुरुआत हो जाएगी, चुकानी पड़ेंगी। तो मैं चाहता हूँ हम ऐसे सभी बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को कहना चाहते हैं कि आप क्लास से अटैच रहिए, प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और आपका बहुत सारा बेनिफिट करिए। और जो बच्चे मेरा लेक्चर देख रहे होंगे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस लेक्चर के बारे में जो क्लास के स्टूडेंट केयर के नंबर हम आपको देंगे वो बाकी भी 10th स्टैंडर्ड के आपके जो कलीग्स हैं, जो साथ के दोस्त हैं, साथी, उनको इन्फॉर्म करिए ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ सके। और ये कम्प्लीटली फ्री है, किसी भी स्टूडेंट को अगले 1 महीने तक के इस कोर्स को अटेंड करने के लिए कोई फीस देना नहीं है। तो लेट स्टार्ट, मैं टॉपिक पर आता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में स्टार्ट कर रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट हम देखेंगे। मोल कंसेप्ट के अंदर मैं पहला टॉपिक आपको आज बच्चों बताने जा रहा हूँ और उस टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, है ना। मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये टॉपिक मैंने कहीं तो भी आपको पहले बेसिक में पढ़ाया था बट बहुत समय निकल गया, तो आज हम इसको फिर से देखेंगे। तो सबसे पहले मतलब सबसे बेसिक अगर केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का कोई टॉपिक है वो मोल कंसेप्ट है। और मोल कंसेप्ट में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ पढ़ना है तो वो है हमारा मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। बच्चों मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन जो है, मॉलिक्यूलर वेट में जो मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन में आपको सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर करना है। देखो मैंने बीच के अंदर जो व्हाइट स्क्रीन लाया था, ठीक है, वो व्हाइट स्क्रीन के अंदर थोड़ा लाइट आपको ज़्यादा होने से लिखा हुआ क्लियर नहीं दिख रहा था, वो जस्ट डेमो था। हम जब व्हाइट स्क्रीन लगाएंगे तो उसको और क्लियर करेंगे। और अभी आज का जो लेक्चर आप अटेंड कर रहे हैं वेबसाइट पर अटेंड कर रहे हैं, पर हम बहुत जल्दी शायद कल या परसों आपको हमसे जूम मीट पर जुड़ेंगे, एक बड़ी स्क्रीन यहाँ पर लगी रहेंगे, तो हम जैसे स्टूडेंट्स हमको देख पा रहे ऐसे हम भी स्टूडेंट्स को देख पाएंगे और क्वेश्चन भी पूछ पाएंगे। और 2 दिन दीजिए, अगले 2 दिन के अंदर ये प्लेटफॉर्म भी अपने क्लास से जुड़ जाएगा, तो हम जूम मीट से आपको हमसे जुड़ेंगे, आप क्लियरली दिखेंगे, आपको हम भी दिखेंगे, हम क्वेश्चन भी पूछ सकेंगे और आप भी हमको क्वेश्चन पूछ सकेंगे उधर से। 1-2 दिन के अंदर ये फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है, ओके। तो मॉलिक्यूलर डिटर्मिनेशन में बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ एटॉमिक वेट से। देखो एटॉमिक वेट का मतलब होता है वेट ऑफ 1 एटम। तो एटॉमिक वेट का मतलब होता है वेट ऑफ 1 एटम और मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल। अब कुछ बच्चे इसके अंदर अगर अदर मीडियम के होंगे 10th तक के, जैसे उर्दू मीडियम हो गए, सेम इंग्लिश मीडियम हो गया या मराठी मीडियम होगा, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपके मीडियम के हिसाब से नहीं पढ़ा सकता, आपको इंग्लिश मीडियम के हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा। ऑफलाइन में जब आप पढ़ने के लाएंगे तो हम आपके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें पैरेलल बताया करेंगे, बट ये एक लाइव प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर मैं आपके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगा। आपको शुरुआत में 2-4 अड्डिंग भरी जाएगा तो आप डिक्शनरी की मदद लीजिए, जो चीज़ें आपके सामने नहीं लग रही उनके मीनिंग्स आप आपके जो 10th तक के मीडियम तो उस लैंग्वेज के अंदर देखिए, थोड़ा हार्ड वर्क करिए, आसानी से हर चीज़ मिलने लग जाएंगे तो उसकी हमको कीमत और कदर नहीं होती। तो जो उर्दू मीडियम के, सेमी इंग्लिश मीडियम के या मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा इंग्लिश के वोकैबुलरी पे ध्यान दीजिए, उसको बढ़ाइए। वैसे भी आपको इनका बहुत काम पड़ने वाला है, जितना फास्ट आप हाथ पैर मारेंगे उतना जल्दी आप बहुत सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। तो एटॉमिक वेट होता है बच्चों एटॉमिक वेट का मतलब, और मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो ये हमने एटॉमिक वेट का जो कंसेप्ट है ये क्लियर करें। अब मैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक वेट आपको लिख के दे रहा हूँ, जैसे हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम 23 है। ये एटॉमिक वेट लर्न करना है बच्चों। देन मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 है, पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39 है, कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 है, देन एल्युमिनियम 27 है, देन सल्फर 32 है, देन क्लोरीन 35.5 है, देन सिल्वर 108 है, देन फॉस्फोरस 31 है, देन लीड
207 है, ठीक है, लीड, इसको पीवी को लीड कहते हैं, बाकी सब एलिमेंट्स आपको पता ही है। देन कॉपर का एटॉमिक वेट 63.54 है, देन जिंक का एटॉमिक वेट 65.4 है, देन ब्रोमीन का एटॉमिक वेट 80 है और आयोडीन का एटॉमिक वेट 127 है, देन फ्लोरीन का एटॉमिक वेट 19 है, हीलियम का एटॉमिक वेट 4 है, नियॉन का एटॉमिक वेट 20 है, एर्गॉन का एटॉमिक वेट 40। अब आप बोल रहे होंगे मैं इतना सब कैसे लिख दिया हूँ। बेटा मुझे पता है कि 10th स्टैंडर्ड तक के आपके एलिमेंट्स इतने अच्छे तरीके से लर्न नहीं हुए। हो सकता है आपको इसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे कि जिनके नाम तक पता नहीं हो, जैसे कि मैंने ये पीवी लिखा, इसको लीड कहते, इसका एटॉमिक नंबर 82 है। आपको सिंपली करना क्या है, देखो हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम कैल्शियम, इसके अंदर सोडियम मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम भी, चलो एल्यूमिनियम लिखा था अपन ने साइड से पहले, चलो यहां लिखा है एल्यूमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम पोटेशियम कैल्शियम सल्फर क्लोरीन AgNa के सिल्वर जिसको आर्जेंटम कहते हैं, देन फॉस्फोरस देन लीड, लीड का बेसिक नेम प्लम्बम है तो लीड, देन कॉपर देन जिंक देन ब्रोमीन देन आयोडीन देन फ्लोरीन हीलियम नियॉन एर्गॉन। तो मेरे ख्याल से ये जो एलिमेंट में लिख दे 5 और 5 10 15 और ये 8, तो बच्चों मैंने 23 एलिमेंट आपको लिख दे, मोटे मोटे 112-115 एलिमेंट्स है, तो उसमें से ये वो 23 एलिमेंट है जिनका आपको काम पड़ने वाला है और ये आपने लर्न करना ही करना है। अगर ये आपने लर्न कर लिए तो आपको एटॉमिक वेट से मॉलिक्युलर वेट निकलने की एक ज़बरदस्त कला मैं सिखा दूंगा और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे बच्चों। तो एक बार आपने एटॉमिक वेट लर्न कर लिए ना तो इसे मॉलिक्युलर वेट हम लर्न करना सीख लेंगे, और एक बार आपको मॉलिक्युलर वेट निकालते आ गया तो आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री की मोल कंसेप्ट की गाड़ी है ना वो एकदम दौड़ने लग जाएंगे। आपका आज का डिफिकल्ट टास्क है, मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, ये जितना भी मैंने लिखा है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये पूरा का पूरा आपने 20 25 30 बार लिख के लर्न करना चाहिए। हो सकता है कि अब देखो एक आधे बच्चों को समझो सी यू समझ में नहीं आ रहा, तो उसने सी यू गूगल पे डाल के चेक करना है कि सी यू यानी कॉपर होता है, कॉपर के बारे में पढ़ना चाहिए थोड़ा सा। तो ये एलिमेंट्स है, अभी आपको एलिमेंट्स 112-115 मुझे लगता है 10th स्टैंडर्ड तक के कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन एलिमेंट्स के बारे में आपको दी जाती होंगी, है ना, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक के 20 एलिमेंट हर बच्चों याद होते हैं। जब आप ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो आई प्रॉमिस मैं आपको पूरे 105 एलिमेंट जो काम के हैं और उसके बाद के 10 एलिमेंट, ऐसे 115 एलिमेंट आपको मैं क्लास में याद करूँ, पर 105 तो आपको क्लास में याद हो जाएंगे, उसके बाद के जो 10 एलिमेंट उनका इतना काम नहीं पड़ता। 104 एलिमेंट उस एटॉमिक नंबर 104 रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम है, बाद में 105 वाले का नाम डुबिनियम है, तो रदरफोर्डियम तक के तो आपको काम पढ़ते पढ़ते अपने सिलेबस के अंदर है। ये सब चीज़ें आपको मैं लर्न करूँगा। आई होप सो कि आपने एटॉमिक वेट लर्न कर लिए। अब एटॉमिक वेट पर से मॉलिकुलर वेट कैसे बनता है ध्यान में रखना। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ H2SO4 से, बड़ा फेमस कंपाउंड है, इसको बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड। दिस कंपाउंड हैज अदर टू नेम्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल, इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है, इसको ऑयल ऑफ विट्रियॉल भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑयल ऑफ विट्रियॉल, क्योंकि इससे अलग अलग टाइप के कलर के विट्रियॉल बनते हैं। मैं लिख दूंगा आपको 3 ऐसे कलर विट्रियॉल्स हैं जो डायरेक्टली नीट जेई में पूछे जाते हैं, एक ब्लू विट्रियॉल है, एक ग्रीन विट्रियॉल है और एक व्हाइट विट्रियॉल है। ये मैं आपको आज यहाँ अलग से लिख दूंगा, पहले H2SO4 देख लो, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसमें बच्चों कौन कौन से एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन है सल्फर है ऑक्सीजन है। पहले कंपाउंड में एलिमेंट कौन कौन से वो लिखना, देन एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स कितने, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम 2 है, सल्फर का नंबर ऑफ एटम 1 है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 4 है। तो पहले एलिमेंट कौन कौन से लिख लो, देन नंबर ऑफ एटम कौन कौन से लिख लो, अब मल्टीप्लाई करना है उनको उनके रिस्पेक्टिव एटॉमिक वेट से। तो इसका रिस्पेक्टिव एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का, अभी देखो मैंने बताया हाइड्रोजन का 1 है,
सल्फर का 32 है और ऑक्सीजन का 16 है, जो आपको लर्न करना है। ये चीज़ें लर्न हो गई तो हाइड्रोजन 2 × 1, सल्फर 1 × 32, ऑक्सीजन 4 × 16। तो ये ऐसा मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन की प्रोसेस है। 32 इट इज 64, ये सब का एडिशन कर लो 98। दिस इज द सिंपल वे हाउ टू कैलकुलेट मॉलिकुलर वेट। अब आपको मैं कोई भी कंपाउंड दूंगा, आपको उसमें एक एलिमेंट कौन कौन से लिखना है, फिर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम कितने वो लिखना है, फिर मल्टीप्लाइंग बाय रिस्पेक्ट टू देयर एटॉमिक वेट जो मैंने आपको लर्न करा है, फिर उसके एडिशन करके मॉलिकुलर वेट आएगा। और ये मॉलिकुलर वेट को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, मैं एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बता देता हूँ कि अगर हम मॉलिकुलर वेट को 2 से डिवाइड करते हैं तो वेपर डेंसिटी तक पहुँच जाएंगे। वेपर डेंसिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसका फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। तो दिस इज द वेपर डेंसिटी, ये आपका पहला फार्मूला बन गया। तो बच्चों अगर आपने मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीख लिए, ये अगर आपको निकालते आ गए तो इस पर से आप वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं। मैं फिर से लिख रहा हूँ, वेपर डेंसिटी वीडी दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। एक बार आपने मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिए तो आप नंबर ऑफ मोल निकालना सीख लेंगे, और नंबर ऑफ मोल का फार्मूला है गिवन वेट जो आपको दिया रहेगा अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज है। तो एक तो मैंने क्लियर कर लिया आपको वो वेपर डेंसिटी, अब मैं आपको अगला फार्मूला बताऊँ नंबर ऑफ मोल। बट इससे पहले आपको ये देखना है क्या आपको मॉलिक्यूलर वेट अच्छे से निकालते आता है, जैसे H2SO4 निकाले। और मैं जो 3 विट्रियोल की बात कर रहा था, एक है ब्लू विट्रियोल जो H2SO4 से बनता है, देन ग्रीन विट्रियोल, ब्लू के बाद हम व्हाइट देखेंगे, व्हाइट विट्रियोल, देन ग्रीन विट्रियोल। बेटा ये क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में पूछे थे, तो ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला कौन सा है, व्हाइट का कौन सा है, ग्रीन का कौन सा है, ये एक एडिशनल पॉइंट बोल के हम बता रहे हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट से कोई लेना देना नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट निकालने की एक टेक्निक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं और आपके 2-3 एग्जांपल लूंगा और फिर कुछ एग्जांपल आपको असाइनमेंट बोल के दूंगा, फिर हम वेपर डेंसिटी भी निकालना है, देखें कि मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड करना है, फिर मैं इमीडिएटली आपको बताऊंगा कैसे नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल होने के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे कैसे पता करेंगे। मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे एटलीस्ट 20 या 30 तक के एलिमेंट याद कर लो। आप ये एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल गूगल पे आके निकाल लो, आराम से पीरियोडिक टेबल मिल जाएगा, या मैं आपको व्हाट्सअप शेयर, मतलब आपका जो ग्रुप बन गया अपने बच्चों का उसके अंदर मैं आपको पीरियोडिक टेबल दे देता हूँ। तो हाइड्रोजन से लेके तो जिंक तक के आपको नाम, एलिमेंट के नाम, उनके एटॉमिक नंबर, उनके सिंबल, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वैसे आपके पास होंगे, पीरियोडिक टेबल मैं दे देता हूँ। तो पहले 30 एलिमेंट आपको याद करना है, ठीक है, और वो एलिमेंट्स आपको अच्छे तरीके से लर्न करके आना है हाइड्रोजन से लेके जिंक तक, उसका काम पड़ेगा अपन। तो ब्लू विट्रियोल का फार्मूला है Cu SO4.5H2, व्हाइट विट्रियोल का फार्मूला है Zn SO4.5H2, और ग्रीन विट्रियोल का फार्मूला है Fe SO4.7H2। एक बार ध्यान में रखना, ग्रीन विट्रियोल में H2O की मात्रा 7 है। दिस इज कॉपर सल्फेट, दिस इज जिंक सल्फेट एंड दिस इज फेरस सल्फेट। डायरेक्ट फार्मूला पेपर में पूछा जाता है। तो इसमें आपको बताया कि H2SO4 को ही हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, ठीक है, H2SO4 को ही हम किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। ये इसका नाम है बिकॉज ये बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर यूज होता है। तो H2SO4 यानी कि किंग ऑफ केमिकल, यानी कि ऑयल ऑफ विट्रियोल, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड बन रहा है आपका, है ना, ये H2SO4 की मदद से, देखो ना, इसके अंदर SO4 है, SO4 है, SO4 है, तो बेसिकली ये H2SO4 में से आया, मतलब ये अलग अलग कलर के विट्रियोल बनाने के लिए आपको H2SO4 की हेल्प होती है, इसलिए H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। और ये 3 अलग अलग कलर के विट्रियोल हो गए। वंस यू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट, हम 2 से डिवाइड करके वेपर डेंसिटी बना सकते हैं। अब मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ लाइक दिस, ये कंपाउंड जानबूझ के ऐसा ले रहा हूँ Al2SO4/3। तो बच्चों इसमें कौन कौन से एलिमेंट, इसको एल्यूमिनियम सल्फेट कहते हैं, केमिकल नेम इसका एल्यूमिनियम सल्फेट है। ये दूसरा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर हमको पता करना है।
इसमें एल्यूमिनियम है, देन सल्फर है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो चेक कर लो बच्चों, इसमें एल्यूमिनियम दो है। अब मैं थोड़ा आपको ब्रैकेट के बारे में बताऊंगा। अगर ऐसा ब्रैकेट दिया हो, ये ऐसा, ठीक है, और उसके बाहर कोई नंबर और उसके अंदर कोई नंबर हो, तो सल्फर बड़ा जिसका कोई नहीं रहता उसका एक रहता, ठीक है, और ऑक्सीजन कितने, चार है। तो आपको क्या करना है, ये नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब सल्फर कितने हो गए, तो सल्फर वन मल्टीप्लाइंग बाय थ्री, दैट इज इक्वल टू थ्री, और ऑक्सीजन कितने है, तो फोर मल्टीप्लाइंग बाय थ्री, तो दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व। इस तरीके से नंबर ऑफ एटम हमको डिटेक्ट करना है। एल्यूमिनियम दो है, सल्फर तीन है, ऑक्सीजन बारह है। नो टू मल्टीप्लाइंग बाय, देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27 है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 620, तो 2 इंटू 27, 3 इंटू 32, 12 इंटू 16। अब ये मल्टीप्लीकेशन करने बाद हमको इसकी ओवरऑल एडिशन करना है, जो मुझे पता है 342। और ये मॉलिकुलर वेट का यूनिट हम न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए ग्राम में लेते हैं, 342 ग्राम। जैसे ये जो H2SO4 हमने लिए, इसका जो मॉलिकुलर वेट है ये 98 ग्राम आया हुआ। अब मैंने एक H2SO4 का एग्जांपल लिया और एक हमने एग्जांपल लिए एल्यूमिनियम सल्फेट का। अब मैं कुछ बच्चों आपको असाइनमेंट देना चाहता हूँ। अब आपने खुद होके भी कुछ मॉलिकुलर वेट निकालना चाहिए। जैसे मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ NaOH, ये तीसरा कंपाउंड है जो आपको घर से करके लाना है। देन अगला कंपाउंड है दैट इज HNO3, आपको इनका मॉलिकुलर वेट पता करना है। देन अगला कंपाउंड है NaOH KOH, देन अगला कंपाउंड है C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज, देन C12H22O11, दिस इज सुक्रोज। देन एट नंबर का कंपाउंड हम लेंगे दैट इज C2H5 बॉन्ड, इट इज इथिल अल्कोहल, आप सभी को पता होगा इसको इथेनॉल कहते हैं, ठीक है, कंपाउंड नंबर एट। देन कंपाउंड नंबर 9 CH3 बॉन्ड COOH, बच्चों इसको एसिटिक एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड ऑल्सो कॉल्ड एज विनेगार, इसको विनेगार भी कहा जाता है। देन कंपाउंड नंबर 10 दैट इज CH3 बॉन्ड OH, मिथिल अल्कोहल। देन 11 ये H3PO4, 12 देन ये MgOH2, इसमें मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन दो है, हाइड्रोजन दो है। देन 13 दैट इज AlOH3, देन 14 ये मैं जानबूझ के NH2 बॉन्ड CO बॉन्ड NH2, इसको आप सभी को पता होगा कि यूरिया कहते हैं। एंड लास्ट कंपाउंड मैं ले रहा हूँ आपके लिए CA3 PO4 by 2, इसमें कैल्शियम 3 है, फॉस्फोरस 2 है, ऑक्सीजन 8 है। समझ में आ गया होंगे आपको किस तरह से करना। ये कुछ कंपाउंड्स बच्चों मैंने आपको दिया हूँ जिसका आपको होमवर्क है। ये आपको मॉलिकुलर वेट निकालना है, और जिसका नहीं आपको मॉलिकुलर वेट आया तो कल आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और जब मैं आपको कल जूम मीट पे जोड़ूंगा हमसे, ठीक है ना, तो आप भी उधर से हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी आज का आपका पहला लेक्चर है, हमने डेट अनाउंस कर दिया था 19 अप्रैल, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जो आज सॉल्व हो जाएंगे, कल आप हमको दिखेंगे, हम भी आपको दिखेंगे। अभी कैसा, आप भी हमें देख पा रहे हैं, ठीक है, पढ़ाने के लिए वेबसाइट से अपन अटैच है, मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं यहाँ पे करके। तो ये एल्युमिनियम सल्फेट का मॉलिकुलर वेट निकालना सिखाए, इन कंपाउंड्स का आपको मॉलिकुलर वेट निकालना, मैं इनके नाम बता देता हूँ, इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज नाइट्रिक एसिड, इट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये ग्लूकोज है, इसको ग्लूकोज सभी को पता है, इट इज ग्लूकोज, ये सुक्रोज है, ये इथेनॉल है, ठीक है, ये एसिडिक एसिड है, चलो एसिडिक एसिड जो है बाद में, ये मिथिल अल्कोहल है, ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये यूरिया है, ये कैल्शियम फॉस्फेट है। अगर आपको इनके नाम पता नहीं है तो भी चलेंगे, बस आपको कोई फार्मूला दिया जाए उस पर से मॉलिकुलर वेट निकालते आना चाहिए। आप समझ रहे होंगे इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, ये एटॉमिक वेट आपको लर्न करना। ये मैंने पहले ही लेक्चर में टोटल 23 एलिमेंट के एटॉमिक वेट बता दिया,
आपको एक जगह पे इतने सारे एटॉमिक वेट एक साथ देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो आई होप सो कि एटॉमिक वेट आप समझ रहे होंगे करके। बहुत सारे बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, जैसे कि ओम पूरे अजिना अविश है ना, कुछ बच्चों ने तो जो संध्या इंगड़े है इन्होंने तो 3 × 30 × 96 भी करके दिखा दिया, वेरी गुड। देन 2 × 27 = 54। आई होप सो कि आपको मेरे लेक्चर जो मैं ले रहा हूँ प्रॉपर समझ में आ रहे होंगे, दिख रहे होंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट्स के अंदर भी मतलब लिख सकते हैं आज के दिन। वैसे मैं जानबूझ के भी सिंपल सिंपल ही ले रहा हूँ, जब आप दिखेंगे तब हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट लेंगे। और बहुत दिनों बाद फिर से ऑनलाइन पढ़ाने का मौका आ रहा है। ऑनलाइन पढ़ाते वक्त टीचर को थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए, कारण ये है कि बगैर स्टूडेंट के टीचर पढ़ा रहे बहुत बड़ी बात होती है ना, हॉल में कुछ नहीं है। अभी 30 अप्रैल तक के हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर का सीएम साहब ने लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। अगर अगले 10-12 दिन के अंदर और अच्छे से वैक्सीनेशन होता है और अभी कोरोना का जो काफ़ी उछाल चल रहा है ये अगर कम हो जाता है तो मैं एक मई से जो स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं जो प्रॉपर अकोला के हैं या आसपास के हैं और जिनका ऑलरेडी क्लास में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो हमने लास्ट टाइम में पेरेंट मीटिंग लिए थे आपकी अगर आपको याद हो तो, जब आपकी क्लास पर एक एंट्रेंस टेस्ट हुई थी, 2-3 हज़ार बच्चों ने एंट्रेंस टेस्ट दिए थे, उसमें कुछ बच्चों सिलेक्शन हो भी गया था, स्कॉलरशिप भी मिली थी, तो वो बच्चे भी बैच कर रहे हैं और कुछ नए स्टूडेंट भी बैच। ऑनलाइन बैच आप फ्री कर सकते घर बैठ के, पर जिन बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे इसके अंदर क्लास पे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको अच्छे से पता है, वो बच्चे 1 मई के बाद अगले जो 20 दिन हम पढ़ाएंगे क्लास के अंदर उनको मैं बैच के अंदर भी बैठने की परमिशन दूंगा। तो चाहो तो बैच के अंदर भी बैठ के लेक्चर अटेंड कर पाएंगे जब 1 मई के बाद लॉकडाउन हट जाएगा, ठीक। अभी तो आपको ऑनलाइन अटेंड करना है सभी को। ये एटॉमिक वेट लर्न कर लो, इसके बाद ये मॉलिक्यूलर वेट निकालने की टेक्निक होगी, उसके बाद वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्लियर कर ले। इसके साथ ही आपको मैंने नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बताया, मोल निकालते आना चाहिए अगर आपके खाली कंपाउंड का वेट दिया गया तो। ये 3 अच्छे अच्छे विट्रियोल्स के कलर्स है, अरे ध्यान रखना ब्लू में कॉपर होता है, व्हाइट में जिंक होता है, इसको कलरलेस विट्रियोल या व्हाइट विट्रियोल भी कहते हैं। एंड देन दिस इज द ग्रीन विट्रियोल। इसके साथ ये कुछ कंपाउंड मैंने आपको दिया, ये आपका होमवर्क है, असाइनमेंट है, जिनके आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ये सब कंपाउंड के हमको काम पड़ेंगे आगे चल के। अब मैं आपको इसमें से कंपाउंड लेता हूँ, दैट इज एसिटिक एसिड। तो ये जो कंपाउंड है बच्चों CH3 bond CH, इसका वैसे केमिकल नेम एसिटिक एसिड है, IUPAC नेम इसको इथानोइक एसिड कहते हैं, इसको विनेगार भी कहा जाता है, विनेगार। और इसको बहुत ही एक अच्छा नाम बता रहा हूँ आपके लिए, इट इज ग्लैशियल एसिड भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड। और ग्लेशियल एसिड के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, अगर हमने एक बीकर में एसिडिक एसिड लिए, जैसे हमने पानी लेते और एसिडिक एसिड को बीकर में लिए और इसको फ्रिज में रख दिए, ठीक है, तो जैसे ही 16.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा, रिमेंबर दिस टेम्परेचर, इसका केल्विन में होता है 289.6 केल्विन। मैं एक सिंपल बात बता देता हूँ, अगर आपके पास टेम्परेचर एक्स डिग्री सेल्सियस है और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें 273 ऐड करना पड़ता है, एग्जैक्ट फिगर 273.15 है बट 273 से काम चल जाएगा, तो 273 आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यदि 273 हम ऐड करते हैं तो एक्स प्लस 273 है ना, 273 ये होता है दिस मच अमाउंट ऑफ केल्विन। यानी अगर मेरे पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर 10 है और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 10 + 273 = 10 + 273 दैट इज 283। तो वैसे तो टेम्परेचर की 3 यूनिट है, एक सेल्सियस है, देन केल्विन है, देन फारेनहाइट। मैं सेम एग्जांपल दूंगा, जैसे आपको मैं पूछता हूँ वेट, तो जो वेट होता है यानी जो मास होते हैं उसके अलग अलग यूनिट है, मतलब ग्राम है, किलोग्राम है, मिलीग्राम है, क्विंटल है, ये डिपेंड करता है आपको कौन सी क्वांटिटी मेजर करना है। अब अगर आपको छोटी क्वांटिटी मेजर करना है तो ग्राम में लेंगे, मिलीग्राम में लेंगे, और बड़ी क्वांटिटी मेजर करना है तो किलोग्राम में लेंगे, क्विंटल में लेंगे, और बड़ी क्वांटिटी टन में लेंगे। अब ऐसा तो नहीं होगा ना, एक आधा बच्चा दुकान में सोना लाने के लिए गया मम्मी पापा के साथ और दुकान में बोलता है सोने की दुकान में जाके, गोल्ड ज्वेलरीज की दुकान में, कि हमको 2 क्विंटल सोना दे दो, वो मर जाएगा बेचारा दुकान वाले जो सुनते 2 क्विंटल सोना कहाँ से देंगे भाई,
बोले ये कौन से ग्रह पर से आ गए इंसान। अब अगर आप किराना दुकान में गए सोने के गोल्ड ज्वेलरी के बजाय एखाने किराना शॉप में गए, वहां से आपको मम्मी पापा ने गेहूँ लाने के लिए बोले या चावल लाने के लिए, आप जाके बोलेंगे मुझे 10 तोला गेहूँ दे दो, 5 तोला चावल दे दो, ऐसा तो नहीं होगा ना, या 5 ग्राम चावल दे दो। वहाँ आपको क्वांटिटी बदल रही तो वेट का यूनिट बदलना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेट के मतलब यूनिट्स होते हैं। तो जो टेम्परेचर है उसकी भी 3 कॉमन यूनिट है, वन इज डिग्री सेल्सियस जो आपको पता है, सेकंड इज केल्विन, और तीसरा मैं आपको कल परसों बताऊंगा दैट इज फारेनहाइट। फारेनहाइट यानी कि एफ। तो एक है डिग्री सेल्सियस, एक है केल्विन और तीसरा है फारेनहाइट। तो हमने अभी आपको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना सिखाया। अब ये कहा जाएगा केल्विन में मन नहीं भर रहा, दिल नहीं लग रहा उधर, केल्विन से वापस आ जाना है। तो केल्विन से अगर सेल्सियस में आना है तो 273 माइनस करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास टेम्परेचर है 373 केल्विन और मुझे इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो ये होगा 373 माइनस 273 दैट इज इक्वल टू 100, ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273 ऐड करना पड़ेगा, और केल्विन को सेल्सियस में करना हो तो 273 हमको इसमें से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। तो कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है इसमें, जैसे कि नवरंग लोखंडे हैं, देन एकनाथ ढोरे है, इनको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो बच्चों आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। जितना अच्छे से आप लेक्चर अटेंड करेंगे, जितने ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर जो चल रहे मेरे अलावा बाकी जो सर लोग लेंगे, जितना आप इनको सपोर्ट करेंगे ये आपको उतने अच्छे तरीके से नॉलेज का बूस्ट अप देंगे। पहला लेक्चर है, हम जानबूझ के मॉडरेट स्पीड रख के पढ़ा रहे हैं, स्पीड इससे ज़्यादा भी बढ़ेंगे धीरे धीरे। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत टफ है, मैं जानबूझ के उसको मैं ले रहा हूँ। मैं आपको ऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक के बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट शॉर्टकट में बताऊँगा, पर ये वन वे टीचिंग नहीं रहेगा, ये सिर्फ आज या कल तक के है। बहुत जल्दी जो बच्चे मेरे लेक्चर दे रहे कमेंट देख रहे वो जूम मीट पर जुड़ जाएंगे और क्लास के अंदर एक बड़ी स्क्रीन लगी रहेंगी जिसमें आप टीचर को दिख पाएंगे, ठीक है। तो वो उसका थोड़ा सा इंतज़ार करो और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी, ये मैंने बता दिया। हाँ, तो मैं पॉइंट ये था कि 16.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है, जो केल्विन के अंदर 289.6 केल्विन होगा, इसमें हमने 273 क्या करें ऐड करें, बाय एडिंग 273 तो केल्विन बन जाएगा। इतने टेम्परेचर पर एसिडिक एसिड का ये ऐसा सॉलिड बन जाता है। देखो, हमने अगर पानी को फ्रीज में रखे तो 0 से -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो लिक्विड वाटर है इसका आइस सॉलिड बन जाता है, ठीक है, समझ रहे कि समझ रहे, आइस बन जाता है। तो उसका अपर सरफेस ऐसा फ्लैट रहता है, बट एसिडिक एसिड का 0 नहीं इतने ही टेम्परेचर पर सॉलिड बन जाएगा, और इसके अपर सरफेस में से ये ऐसे कांटे जैसे, इसको कहते हैं शार्प एजेस, बाहर निकलते। और ये जो कलाकारी है बच्चों, ये सिर्फ एसिडिक एसिड ही करता है, कि एसिडिक एसिड में 16.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के जैसे नीचे आप चले जाएंगे तो एसिडिक एसिड जो लिक्विड है, जिसको आप चाइनीज फूड के अंदर बहुत कूट कूट के खाते हैं, विनेगर जिसको कहते हैं, है ना, वो सॉलिड बन जाएगा, और उसका अपर सरफेस जो है वो शार्प एजेस निकलेंगे, यानी सादे भाषण को ये मेरा, यानी ये ऐसे कांटे जैसे निकलते, इसमें से शार्प एजेस निकलते हैं। तो बिलो दिस 16.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे नीट आईआईटी जेई के अंदर क्वेश्चन आता है कि कितने टेम्परेचर पर एसिडिक एसिड जो है वो ऐसा आइस लाइक सॉलिड विद शार्प एजेस बन जाता है 16.6, एंड दैट्स व्हाई दिस एसिडिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लेशियल। ये रीजन है कि एसिडिक एसिड को ग्लेशियल एसिड क्यों बनता है। क्वेश्चन अगर आपको आता है कि वह एसिडिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिड बिकॉज बिलो 16.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 289.6 केल्विन टेम्परेचर एसिडिक एसिड बिकम आइस लाइक सॉलिड विद शार्प एजेस, दैट्स वाई एसिडिक एसिड इज कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिड। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। मेरा पॉइंट ये था, मुझे एसिडिक एसिड का मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन करना था। देखो बच्चों, दिस इज CH3 बॉन्ड CO, चेक कर लो। अब जरा बताओ इसमें कार्बन कितने हैं, तो 2 है, कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, चेक कर लो। ये बेटा ये कार्बन और ये कार्बन, टोटल कार्बन 2 है, हाइड्रोजन ये 3 है और ये 4 है, 2 × 12, 4 × 1 एंड 2 × 16। अब मुझे इसके डायरेक्ट एडिशन पता है तो मॉलिकुलर वेट इज 16।
तो बच्चों हम जो 60 लेंगे इसको ग्राम में लेंगे। अब अगर मुझे एसिडिक एसिड की कोई वेपर डेंसिटी पूछता है तो रहेगा 60/2 दैट इज इक्वल टू 30। वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं रहता है, जस्ट नॉर्मल इसकी वैल्यू होती है, तो वेपर डेंसिटी। तो एसिडिक एसिड का मॉलिकुलर वेट जो है वो 60 है। अब इसमें एक अफसर भाई ने क्वेश्चन पूछे कि क्यों निकलते शार्प पेजेस, तो अफसर भाई ये उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि उसका अपर सरफेस फ्लैट नहीं होते हैं। अब हर एक पॉइंट पे तो क्वेश्चन नहीं बन सकता, ये उसकी मर्जी निकलती होगी, बट वैसा होता है, इसलिए उसको ग्लेशियर एसिड कहते हैं, शार्प पेजेस होती है, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। 60 ग्राम ये उसका मॉलिकुलर वेट हो गया। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास में ये एक बीकर है और इस बीकर के अंदर 120 ग्राम एसिटिक एसिड है, तो मैं आपको अगला क्वेश्चन पूछूंगा कि मेरे पास एसिटिक एसिड के कितने मोल प्रेजेंट है। तो रिमेंबर वन पॉइंट कि अगर आपको वेट दिया हो तो दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन ग्राम, बिकॉज हम ये ग्राम में लेते हैं, दोनों फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेम चाहिए। तो 120 ग्राम अगर मेरे पास एसिडिक एसिड है तो 120 तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला है, गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, यानी 120/60 दैट इज इक्वल टू 2 मोल। तो मैंने आज आपको मोल निकालना सिखाया। तो किस तरीके से नंबर ऑफ मोल निकलेंगे बच्चों, गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो दिस इज द फार्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल, दैट गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ मोल निकालते आना चाहिए। अब 120 या 180 ग्राम एसिडिक एसिड रहता तो 180/3 दैट इज इक्वल टू 180/60 दैट इज इक्वल टू 3 मोल। तो आप किसी भी कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल कैसे निकाले, मैं यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला रहेगा गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ये एक फार्मूला लर्न कर लो, वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिकुलर वेट अपॉन 2, ये लर्न कर लो। साथ में मैंने कुछ ये चीज़ें बताया आपको, जैसे कि भाई ये एसिडिक एसिड को इथेनोइक एसिड कहते हैं, ये उसका IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, विनेगर कहते, इसको ग्लेशियल एसिड भी कहते। एक बात मैं आपको अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ, वो बात ये है कि शुरुआत में आपको कुछ दिन तक के साइंस के अंदर डिफिकल्टी जाती है, ये आप लगे तो आपके घर में किसी सीनियर जो कैंडिडेट होगा, जो आपके बड़े बहन भाई होंगे या आपके मम्मी पापा होंगे, उनको पूछ लेना जिन्होंने साइंस पढ़े होंगे। तो शुरुआत में साइंस डिफिकल्ट जाता है, पर डिफिकल्ट चीज़ें पढ़ने का ही मज़ा बहुत आता है। जो चीज़ आसान है उसको क्या पढ़े करना है, मतलब जब आप कुछ चीज़ सीख लेंगे तो आपको लगना चाहिए कि आप लोग दमदार चीज़ पढ़े करके, ऐसा मुझे लगता है। तो आप क्या करो कि थोड़ा मेहनत अच्छे से करो, अभी तक कि आपने 10th के अंदर आपकी बहुत ही लकी बैच है कि आप 8th स्टैंडर्ड के अपने पेपर दिए थे, 9th स्टैंडर्ड जो 2020 में कोरोना आया था पहली बार, है ना, 22 मार्च से लॉकडाउन लगा था और 15 मार्च से आपकी सारी स्कूल बंद हो गई थी। तो 15 मार्च के बाद आपने स्कूल नहीं देखे, कुछ दिन पीछे दिवाली के बाद कुछ दिनों में बच्चे गए थे, 9th और 10th के बच्चे गए थे, फिर वो भी बंद हो गए। तो आप इतने महान बैच है कि आपने 8th स्टैंडर्ड से डायरेक्ट 11th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड के पेपर दिए थे, 9th स्टैंडर्ड में आपको प्रमोशन मिला था और 10th स्टैंडर्ड में इतिहास में पहली बार हुआ कि 10th स्टैंडर्ड में CBSE को प्रमोशन मिल गया, स्टेट वालों को भी मिल जाएगा, ये मिलेगा ही। मैं ये नहीं कह सकता, आई एम नॉट मतलब एजुकेशन मिनिस्टर, ये उनका लुकआउट हो किस तरीके से डिसाइड करते हैं, बट आप क्या करो कि 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा टेंशन में मत लो। आपने 10th में 100% भी ले लिए तब भी आपको 11th 12th में नीट और JEE क्रैक करने के लिए ये पूरा बेसिक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो 10th का परसेंटेज एक अलग चीज़ है, 11th 12th की प्रिपरेशन एक अलग चीज़ है, और इन केस अगर 10th का स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम कैंसिल नहीं भी होती है तो वो पढ़ने के साथ साथ भी आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। और अगर आपका ऐसा होता नहीं है सर 10th के एग्ज़ाम का टेंशन आ रहा, तो 10th एग्ज़ाम के बाद में आप ये लेक्चर देख सकते हैं। पर हम 10th एग्ज़ाम के बाद तभी हम ये समझ के मान के चल रहे हैं कि अभी एक महीना बेसिक लेंगे और आपका जो एक्चुअल सिलेबस है वो हम 18th of May से ऑफलाइन में स्टार्ट करेंगे। इस दरमियान जो बच्चे क्लास अटेंड करते करते जाएंगे और जिन बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन हम आपको एक महीने में करने के लिए समय दे रहे हैं, पर वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ही बैच करते हैं, ऐसा नहीं, ये बैच तो आपको वैसे ही फ्री है, पर जो बच्चे भी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं
तो उनको बहुत सारी इकोनॉमिकल स्कॉलरशिप भी मिल रही है क्लास की तरफ से फीस के अंदर। बाद में 18th of May से हम डायरेक्ट सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपके 10th की एग्ज़ाम निपट गया हो तो आप विदाउट वेस्टिंग द टाइम 11th 12th के काम से लग जाइए, क्योंकि वैसे ही पूरा साल भर आपने रेस्ट किए हुए। मैं इतना दिल तोड़ के इसलिए कह रहा हूँ कि 11th 12th में बहुत हाई लेवल की कंपटीशन है, कट ऑफ के मार्क्स किसी भी कैटेगरी के लिए बहुत डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। आप अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो उसी का आपको आगे जाके लॉस खतरनाक होगा। तो आज जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया बच्चों, वे ये जो मॉलिकुलर वेट निकालना सीखे, इसके बाद में ये आपको असाइनमेंट दिया, आप इन कंपाउंड का टेंशन मत लो। अगर आपको फिर इसका नाम क्या बताइए, इट इज़ फॉस्फोरिक एसिड। मैं नाम सब बताऊंगा आपको आगे चल के। आज आप सिर्फ इनका मॉलिकुलर वेट निकालना सीखो। अगर मैं आपको इनके नाम लिखते देता ना तो आप मॉलिकुलर वेट निकालने के बजाय ये नाम के ऊपर रिकामा टेंशन लेते बैठते हैं। तो बच्चों ये हर लेक्चर के अंदर आप क्या करो, पूरी क्वांटिटीज में लेक्चर देखो, ईमानदारी से लेक्चर देखो। हम ज़्यादा लेक्चर नहीं ले रहे, डेली 3 या 4 लेक्चर आपके रहेंगे और हर लेक्चर बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। और ये लेक्चर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो 10th स्टैंडर्ड के आपके मोहल्ले के गाँव के स्कूल के रिलेशन में जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको फॉरवर्ड करो। अगर उनका इससे फ़ायदा होता है तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको भी बहुत सारी नेकिया और पुण्य और स्वभाव मिलेगा। मुझे लगता है कोरोना काल में इसकी अपने को ज़्यादा ज़रूरत भी है। ठीक है, इससे आपका लॉस तो नहीं होने वाला है। ठीक है, फॉरवर्ड करिए और हर टीचर के लेक्चर को अच्छे से रिस्पेक्ट से देखिए। हर लेक्चर के अंदर आपको सही में समझ में आ रहा, ऐसा लग रहा है कि नहीं ये लोग आपके लिए कुछ कर रहे, तो हर लेक्चर को लाइक तो भी दीजिए, शेयर करिए क्लास के लिए, इतना आप कर सकते हैं। ये H2SO4 के बारे में कुछ बताया, ये विट्रियॉल पेपर में पूछे हुए हैं कौन से कलर का कौन सा विट्रियॉल होता है, और H2O जितने चाहिए उतने ही लगते हैं। अगर आपने ब्लू विट्रियॉल में CSO4.7H2 बोल दिया, दैट इज़ रॉन्ग, इट इज़ स्ट्रिक्टली 5H2O। उसके बाद में ये जो कम, इसके पहले हमने देखे ये एटॉमिक वेट, मैंने पहली बार ही इतने एलिमेंट लिख दिया। हम जनरली क्या करते, ये 2 कॉलम लर्न कराते, फिर 3रा कॉलम लर्न कराते अगले दिन, फिर उसके अगले दिन 4था कॉलम लर्न कराते, फिर बाद में ये बताते। और बहुत सारे आपके सीनियर्स ऐसे जिनको इतने एलिमेंट के एटॉमिक वेट याद भी नहीं, और इनका सिर्फ मॉलिकुलर वेट में नहीं बहुत जगह काम पड़ने वाला है। तो फिजिकल केमिस्ट्री की आपने एक दमदार शुरुआत करी आज, और एटॉमिक वेट लर्न कर लेते हैं तो आप मेरे हिसाब से 1 हफ्ता पढ़ो बस। आफ्टर 1 वीक मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर नीट और JEE के जो नेशनल लेवल की एग्जाम थी वो आए थे और आपको सॉल्व करते आएंगे इंशाल्लाह। तो आई होप सो कि सब टॉपिक आप समझ रहे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मेरे बाद फिजिक्स का लेक्चर है, जैसे बायोलॉजी का लेक्चर है, आप अपना और अपने फैमिली का बहुत भरपूर ख्याल रखिए, प्रिकॉशन लीजिए। हम कल फिर मिलेंगे और कल शायद से मैं आपको देख भी पाऊंगा, हम जो आगे इसमें टेक्नोलॉजी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, बाय बाय।